यहां के विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलने के बाद शुक्रवार को कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा ने नामांकन किया। इस दौरान कांग्रेस नेत्री अश्विनी सहाय, कांके प्रखंड प्रमुख सोमनाथ मुंडा समेत कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मौके पर ताज़ा खबर झारखंड के मुख्य संवाददाता वसीम अकरम ने कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा से खास बातचीत की। पहले चरण के चुनाव के लिए आज आखिरी दिन नामांकन के लिए है और कांके विधानसभा से जिस तरह से कांके विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए बहुत तनावपूर्ण रहा। देर रात को यहाँ पर जो है सुरेश बैठा के नाम प्रकाशित हुआ। एक तरफ तो देखो धर्म है, एक तरफ कर्म है। मैं इसलिए धर्म कर्म बोल रहा हूँ तो बीच में सुरेश बैठा है। जिस तरह से मालूम हुआ है कि सुरेश बैठा को देर रात को ही उनका नाम का घोषणा किया गया, लेकिन पहले सुबह ये एक दुखद घटना भी हुई इनके साथ, उनकी मां का निधन हो गया है। सुरेश जी, सबसे पहले तो आपको बधाई भी क्या दे, हम लोग तरफ से माता जी का पार्थिव शरीर घर में है, नॉमिनेशन का आखिरी दिन आप यहाँ पर पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए आज नामांकन का अंतिम दिन था और कैसा है पिछले विधायक कैसा है, 20 सालों तक लोगों के बीच में रहे विधायक प्यार और उस फर्ज को निभाने के लिए हम नामांकन किए हैं। अभी हम फर्ज निभाने के लिए हम अपने घर की ओर जाएंगे, मात अंत्येष्टि में शामिल होंगे, 4 बजे का है उस अंत्येष्टि में शामिल होंगे और उसके बाद पुनः हम अपने कर्म क्षेत्र में काम करने का कोशिश करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे। सुरेश जी, बहुत कम समय रह गया है, लगभग तो ये 15-17 दिन है, चौथी बार आपको मौका मिला है, किस तरह से कांके विधानसभा से देख रहे हैं? पार्टी के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे चौथी बार दिया है और समय बहुत कम है, लेकिन उन लोगों के लिए समय कम है जो क्षेत्र में नहीं घूमते हैं। हम तो 365 दिन लगातार घूमते हैं, कोई दिन नहीं है कि निश्चित रूप से हमारे लिए समय मायने नहीं रखता है। मेरे नजर में कर्तव्य मायने रखता है, कर्तव्य निभाने के लिए हम मैदान में उतरे हैं और इस पर भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन रहा है 35 सालों तक, बोलता है कि कुत्ता को भी दे देगा यहाँ से तो जीत जाएगा, ये भर्सन वहाँ के कार्यकर्ताओं की है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भर्सन है, तो ऐसा नहीं है। इस बार माता जी का आशीर्वाद है, वहाँ के लोगों का आशीर्वाद है, निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन होगा और कांके की जनता जीतेगी। प्रमुख साहब कांके के यहाँ पर है, कितना उत्साहित है आप लोग? सुरेश भारती उत्साहित है। देखिए, जो ऐसे लोगों को टिकट मिला है जो कि लगातार अपने 20-25 वर्षों से क्षेत्र में लोगों के बीच में अपना संघर्ष किया और वैसे लोगों का अगर टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से खुशी मिलती है और हम लोग काफी उत्साहित है, पूरे कांके की जनता काफी उत्साहित है और निश्चित रूप से इस बार यहाँ कांके में परिवर्तन की लहर है और पूरा महागठबंधन का जो हमारे प्रत्याशी है सुरेश कुमार बैठा जी, निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। एक कर्मठ कैंडिडेट है सुरेश बैठा, इस सीट को निकाल सकता है। सुरेश बैठा की माँ डेथ कर गई है और सुरेश बैठा को काके के सारे जनता इनको बोल दिए कि आप अपनी माता का क्रियाकर्म कीजिए और अगर जो चुनाव है वो काके की जनता लड़ेगी। तो ये हमारे साथ में देख सकते हैं कि कांके से कांग्रेस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे सुरेश कुमार बैठा, उनकी माता के निधन आज अहले सुबह हो गए हैं, आनंद फानंद में आखिरी दिन था आज नामांकन का, उसके बाद ये यहाँ पर नामांकन करने के लिए पहुंचे। नामांकन करने के बाद सीधा अपने पैतृक गांव वहाँ जा रहे हैं अपनी माता के अंतिम संस्कार के लिए। धन्यवाद।